भानगढ़ गांव में बसे घने जंगल के बीचों बीच बनी गुफा के अंदर एक चुड़ैल रहती थी, जिसके पास सुनहरे रंग की सोने की गाय थी, जो कि सोने की थी और सोने का गोबर देती थी। आधी रात होते ही वो चुड़ैल अपनी गाय के साथ शिकार के लिए निकल पड़ती थी। क्या हुआ मेरी सुनहरी, तू उदास क्यों है? क्या तुझे भूख लगी है? चल मैं तुझे कुछ खिला कर लाती हूँ। इसके बाद चुड़ैल और सुनहरी जंगल में जाते हैं। तभी चुड़ैल सुनहरी से कहती है, ये ले सुनहरी, यहाँ पर जो चारा रखा हुआ है तू इसे खा ले, और साथ में ही नदी है, अगर प्यास लगेगी तो इसमें से पानी पी लेना, तब तक मैं भी अपना शिकार ढूंढ कर आती हूँ। और ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जंगल में चलते चलते उसे रास्ते में एक जंगली मुर्गी दिखाई देती है, जिसे पकड़कर वो उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगती है कि तभी उसे अपनी गाय के रंभाने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, ये तो मुझे मेरी सुनहरी की आवाज लग रही है, कहीं वो किसी मुसीबत पर तो नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। जैसे चुड़ैल अपनी गाय के पास जाती है तो वो देखती है कि गांव के दो आदमी जो कि दारू पिए हुए हैं, वो उसे घसीटते हुए चोरी करके अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अरे वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया, आज तो अपनी किस्मत चमक गई, जो सोने की गाय हमारे हाथ लग गई। हाँ भाई, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर चल। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को चुराने की, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उन दोनों का गला घोट कर उनकी जान ले लेती है, और फिर वो चुड़ैल उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देती है और उनके धड़ के छोटे छोटे टुकड़े अपनी भूतिया गाय को खिला देती है। ऐसे पापी और बुरे लोगों का तो यही हाल होना चाहिए, जो भी मेरी गाय के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा उसे ऐसे ही मौत की सजा मिलेगी। इसके बाद चुड़ैल वो सोने का गोबर ले जाकर गरीब लोगों के घरों के बाहर रख देती थी। इस गांव में तो अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब बेचारे और गरीब। ये कहकर चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे जब माधव और राजू की खोज में गांव के लोग जंगल की तरफ आते हैं, तो उन्हें वहाँ दोनों के कटे हुए सर मिलते हैं। भगवान, ना जाने मेरे माधव और राजू कहाँ चले गए, कल रात से वो दोनों गायब है। मुझे तो डर है कहीं उस चुड़ैल ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, तुम देखना शाम होते ही तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। तभी बंटी नाम का लड़का वहाँ भागता हुआ आता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे गजब हो गया सरपंच जी, गजब हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों मरे जा रहे हो? अरे रो क्यों रहा है, क्या हुआ जल्दी बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे काकी कैसे बताऊं, हमारे दोनों भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है, उनके कटे हुए सिर जंगल के बीच नदी किनारे मिले हैं। इसके बाद सुषमा और सरपंच अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से रोने लगते हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर माधव और राजू का अंतिम संस्कार करते हैं। चुड़ैल, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने हमसे हमारी दोनों संतानें छीन ली। मेरी कोख सुनी कर दी उस चुड़ैल ने, अब देखो मैं उसके साथ क्या करती हूँ। अपने दोनों बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं, ताकि वो अपने बेटों की मौत का बदला ले सके। बाबा हमारी मदद करो, चुड़ैल बहुत खतरनाक है, उसने अपने भूतिया गाय के साथ मिलकर मेरे दोनों बेटों को मार डाला। मुझे उससे अपने बेटों की मौत का बदला चाहिए किसी भी कीमत पर, आप जितना पैसा बोलेंगे हम आपको देंगे। बदला लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हम उस चुड़ैल को और उस भूतिया गाय को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से भगा देंगे, ताकि जो दर्द तुम सह रही हो वो किसी और की माँ को न झेलना पड़े। ये कहकर तांत्रिक बाबा सुषमा और सरपंच के साथ गांव पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही रात होने लगती है, वो तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, चुड़ैल प्रकट हो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र पढ़ने के साथ ही वो चुड़ैल अपनी भूतिया गाय के साथ प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ, क्या चाहता है तू मुझसे, बोल तांत्रिक। देख चुड़ैल, तू इन गांव वालों का पीछा छोड़ दे, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू इन्हें क्यों मारना चाहती है? इन गांव वालों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इनसे अपनी मौत का बदला लूंगी। कौन सा बदला, आखिर क्या हुआ था तेरे साथ? कुछ साल पहले
मैं भी इसी गांव में रहा करती थी। मैं दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम मैं उनकी भक्ति किया करती थी। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक जादुई सोने की गाय उपहार में दी, जो कि सोने की थी और सोने का गोबर किया करती थी। मैंने उस गाय के गोबर को इकट्ठा किया और सोने के गोबर को बेचकर जो पैसे आए वो गरीबों में बांट दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गरीबों की मदद किया करती थी, लेकिन तेरी मौत का कारण क्या था? धीरे धीरे वो गाय दिन पर दिन ढेर सारा सोने का गोबर देने लगी, जिससे कि मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए और मैंने अपने लिए एक बड़ा सा घर ले लिया और धीरे धीरे मैं इस गांव में सबसे अमीर होने लग गया। फिर गांव वालों ने ये बात इस सरपंच तक पहुंचा दी। सरपंच से ये सब नहीं देखा गया कि इनके रहते कोई इस गांव में अमीर हो, जिसके चलते इसने अपने गुंडे मुझे मरवाने के लिए भेज दिए। उसके कुछ गुंडों ने मेरी गाय को जहर खिलाकर मार दिया और साथ ही मेरा भी गला काट कर मेरी हत्या कर दी। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बदला लेना चाहती थी। उसी पल मैंने दुर्गा माँ को याद किया। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम अपना बदला ले सकती हो, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा नहीं करोगी। इसीलिए मैं बुरे लोगों को मारकर अपनी इस जादुई भूतिया गाय को खिला देती हूँ और फिर ये सोने का गोबर करती है और उसे मैं गरीब लोगों के घरों के बाहर रख देती हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तू अभी भी गरीबों की मदद करती है, लेकिन तुझे जिससे बदला लेना था वो तू ले चुकी है। नहीं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। इस सरपंच को तो मैं मौत के घाट उतार कर ही रहूंगी, इससे मेरा बदला भी बाकी है। कल रात तूने जिन दो लड़कों की हत्या की थी वो इसी सरपंच के बेटे थे और अपने जवान बेटों की मौत के गम से बड़ी सजा और इसके लिए क्या होगी? तो वो दो चूजे इसके थे। वैसे ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही तांत्रिक, औलाद की मौत का गम तो मरने से भी बुरा है। उम्र भर ये इसी पछतावे में जिएगा कि इसके किए की सजा इसके बच्चों को भुगतनी पड़ी। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं इसे अपने हाथों से मारूंगी। मुझे माफ कर दो। इनको माफ कर दो, इन्होंने जो भी गलती की उसकी सजा मेरे बच्चों को मिल चुकी है। अगर इसी से तुझे मुक्ति मिलती है तो ठीक है, ये रहा तेरा शिकार, मार डाल इसे। तांत्रिक के इतना कहते ही चुड़ैल सरपंच की ओर बढ़ती है कि तभी तांत्रिक उसकी आंखों पर विभूति फेंक देता है, जिससे कि चुड़ैल को धुंधला नजर आने लगता है और इतनी देर में तांत्रिक सरपंच की जगह उसका पुतला खड़ा कर देता है। फिर वो चुड़ैल के हाथ में तलवार देते हुए कहता है, ले काट दे इसका सर, मार डाल इसे। फिर चुड़ैल जैसे ही धुंधली आंखों से देखने लगती है वो तलवार से सरपंच के पुतले का सिर धड़ से अलग कर देती है और जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता वो उसके धड़ पर वार करती रहती है। फिर कुछ ही देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी भूतिया गाय के साथ हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। दीपक बहुत ही गरीब इंसान था। वो गांव के पास एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी को सांप काट लेता है। आह, मर गई, बचाओ। क्या हुआ काजल, क्यों चीख रही हो? मैं घर के अंदर काम कर रही थी कि अचानक से मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने देखा सांप को यहाँ से जाते हुए। मुझे लगता है सांप ने काट लिया है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। उसका सारा शरीर गर्म होने लगा था और वो बेहोश हो गई। दीपक उसके पैर को देखता है, उसे जहर के दांतों के निशान मिल जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरी काजल को मुझसे मत छीन। दीपक अपने पड़ोसी की मदद मांगता है। उमेश भैया, मेरी पत्नी काजल को सांप ने काट लिया है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर आप दवाई और खाने के लिए पैसे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उमेश बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसके हृदय में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। ले जाओ, जरूर ले जाओ इसको, लेकिन तुमको इसके 10% ब्याज देना होगा। अब बोलो कितना पैसा दे दूं? जितना चाहो उतना ले जाओ, लेकिन याद रखना 10% से बिल्कुल कम नहीं होगा ब्याज मेरा। हाँ ठीक है, मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस आप इतने पैसे दे दीजिए जितने में जहर की दवाई और हम दोनों के लिए खाने के लिए सामान आ जाए। उमेश उसे पैसे दे देता है। दीपक पैसे लेकर शहर जाता है। भाई साहब, जल्दी से मुझे जहर की दवाई दे दीजिए, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। धीरज रखिए भाई साहब, धीरज रखिए, आपको दवा मिल जाएगी, आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा,
ये लीजिए दवाई, खाने के बाद अपनी पत्नी को ये दवा खिला देना। और तभी पीछे से एक गाय आती है, दीपक के पैरों पर अपना कान सहराने लगती है। दीपक उसकी ओर देखता है तो उस गाय की आंखों में आंसू थे। अरे भैया, ये गाय क्यों रो रही है? क्या बताऊं भैया, इस बेचारी गैया का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और वो सांस नहीं ले रहा, उसे दवाई की जरूरत है। क्या वो दवाई आपके पास नहीं है? मेरे पास दवाई है भैया, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी है, मैं इस गाय के बछड़े को ऐसे नहीं दे सकता। अरे भाई, मानवता नाम की भी कोई चीज होती है, ये बछड़ा गाय की अमानत है। ये बेचारे बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी ये जानती है, लेकिन इस बछड़े की जान इस जगह पर बचा ली जा सकती है। भैया आप अपनी दवाई लीजिए और यहाँ से चले जाइए, मैं इस गाय को मुफ्त में दवाई नहीं दे सकता, मेरा बहुत घाटा हो जाएगा। ऐसे कितने ही जानवर दवाइयों के लिए तरसते रहते हैं, अगर सभी को मैं ऐसे ही दवा खिलाता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। दीपक उस गाय की ओर देखता है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। दीपक अपने बाकी बचे हुए पैसों को देखता है, उसने अपनी पत्नी के खाने के लिए उधार मांगे थे। क्या इतने पैसों में इस बछड़े की दवाई आ सकती है? हाँ भैया आ सकती है, लेकिन ये गाय तो आपकी नहीं है, फिर आप इस गाय के लिए अपने पैसों से ये दवाई क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए जान से कीमती कुछ नहीं है भैया, फिर चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। अब आप जल्दी से दवाई दे दो। दीपक दुकानदार से दवाई लेकर उस गाय के बछड़े को खिला देता है और एक घंटा उस बच्चे को सहराता रहता है। बछड़ा खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगता है। दीपक खुश हो जाता है और फिर दवाई लेकर वापस अपने गांव चला जाता है। ये लो काजल, दवाई खा लो। दीपक की पत्नी की हालत बहुत नाजुक थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हाँ लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कहीं दवाई नुकसान कर गई तो? मैंने जो पैसे खाने के लिए लिए थे वो तो खर्च हो गए। काजल रुको, मैं अभी कुछ पैसे और उमेश भाई से उधार लेकर आता हूँ। दीपक अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है और तीन गाय देखता है जिनके साथ वही छोटा सा बछड़ा होता है। बछड़ा दौड़कर दीपक के हाथ चाटने लगता है। दीपक फिर से दुलार करता है और उसे कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ चले आए? मैं दिल का अमीर इंसान हूँ, मैंने तुम्हारी जान इंसानियत के नाते बचाई थी, मैं तुम लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकता। तभी बछड़ा जाता है और अपनी माँ के थन से दूध पीने लगता है और दीपक को अपनी पूंछ से इशारा करता है। दीपक समझ जाता है और घर के अंदर जाकर एक बर्तन लाता है और फिर दूध निकालने लगता है। उसी दूध को उबालकर अपनी पत्नी को पिला देता है और दवा दे देता है। काजल ठीक हो जाती है। आपने इन गायों को क्यों पाल लिया? हमारे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम दूसरों से उधार मांगकर अपना जीवन चला रहे हैं, इन बेचारों की देखभाल कैसे करेंगे? तभी काजल अंदर जाती है और देखती है कि जिस बर्तन में दूध उबाला था वो सोने का बन गया था। अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आओ, ये देखो आपने जिस बर्तन में दूध रखा था अब वो सोने का बन चुका है। दीपक दौड़ता हुआ जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे ये बर्तन तो सच में सोने का बन चुका है, इसका मतलब ये गाय सचमुच कोई चमत्कारी गाय है। दीपक और काजल उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और तीनों गायों को प्रणाम करते हैं। इस बर्तन को बेचकर मैं उमेश भैया का सारा कर्जा उतार दूंगा। दीपक वो बर्तन ले जाता है और अपना सारा कर्जा उतार देता है। अरे दीपक, तुमने तो पैसे इतनी जल्दी लौटा कर दे दिए, आखिर क्या राज है? अरे भैया भगवान की मेहरबानी है, बस इतना ही समझ लीजिए। अरे मैंने तो सोचा था भाई कि तुम पैसे ले जा रहे हो तो मेरा थोड़ा ब्याज ही बढ़ जाएगा, अब तुमने इतनी जल्दी मेरा उधार चुका दिया, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना नुकसान सहन कर लेता हूँ, आखिर हूँ तो बड़े दिल वाला ना। दीपक वहाँ से चला जाता है। उमेश को थोड़ा शक होता है। कुछ दिन बाद बहुत भयंकर पानी गिरता है और दीपक की झोपड़ी पानी के कारण पूरी बर्बाद हो जाती है। दीपक और काजल रोने लगते हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है, हम गरीबों से तू किस जन्म का बदला ले रहा है? हे राम, इतना नुकसान तो हम इस दो चार सोने के बर्तनों को बेच कर भी नहीं भर सकते। तभी गाय उसके पास आती है और गोबर कर देती है। उसके गोबर में काजल को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, वो उसे उठाती है और देखती है उसमें दो सोने के सिक्के थे। काजल और दीपक दूसरी गायों को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप धन्य हो गौ माता। दीपक और काजल अब एक पक्का मकान बनाकर उसमें रहने लगते हैं। उमेश अब ये देखकर जल भुन जाता है और वो अपने गुप्तचर भेजकर दीपक की सफलता का राज जानने की कोशिश करता है। मालिक, मैंने देखा है दीपक के पास तीन गाय हैं,
जिनमें से एक गाय दूध देती है, अगले दिन वो बर्तन सोने का बन जाता है, और एक गाय जब गोबर करती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। उसी की बदौलत दीपक इतना तरक्की कर गया है मालिक। हाँ अच्छा, ऐसी बात है, चलो तो उसकी उन दो गायों को चुरा लेते हैं। एक रात उमेश चुपके से जाता है, दीपक की गायों को चुरा लेता है और पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि दीपक ने उसके पैसे चुराए हैं और उसी से अपना मकान बनाया है। सच सच बता दीपक, तेरे पास घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैं तो आपको बताऊं साहब, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरे पास तीन गाय थी जिनमें से दो जादुई थी। उनमें से जब एक गाय दूध देती थी तब जिस बर्तन में वो दूध निकलता था सुबह तक वो बर्तन सोने का हो जाता था, और जब दूसरी गाय गोबर करती थी तो उसके गोबर में से सोने के सिक्के निकलते थे। लेकिन मेरी इतनी फूटी किस्मत थी, उन दोनों गायों को किसी ने चोरी कर लिया, और अब मेरे पास ये साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि मेरे पास जादुई गाय थी और मैंने उमेश की चोरी नहीं की। ये सब बकवास मुझे नहीं बताओ। दीपक तुम्हें पुलिस थाने चलना होगा, तुम्हारे पास बताने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर पुलिस विश्वास कर सके। काजल बची हुई गाय के पास जाती है और रोने लगती है। ये गौ माता, आपके साथ जो दो गाय थी उन माता ने तो अपना चमत्कार दिखाकर हमारी बिगड़ी बना दी। अब वो जब दोनों गाय चोरी हो चुकी है तो मेरे निर्दोष पति को पुलिस ले गई है, अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं। कोई चमत्कार दिखाइए, कोई चमत्कार दिखाइए। जैसे मानो गाय ने काजल की बात सुन ली और उसने सामने पड़े बर्तन में रखे कुछ चावल को चट चट कर खाया और बाद में अपनी पूंछ से तीन बार सहलाया और वो बर्तन तुरंत ही सोने का बन गया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ गौ माता, अब आप मेरे पति को जीवन दान दे सकती हैं। काजल गाय के बछड़े को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। देखिए साहब, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है और इसको साबित करने के लिए मैं अपने साथ इस जादुई गाय को लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अभी उमेश को यहाँ बुलाएं और मेरे पति को छोड़ दें। ठीक है, मैं उमेश को बुला रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो उमेश को परेशान करने के लिए तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा, ये गाय भी उमेश को दे दी जाएगी। उमेश अपने साथ एक फलों की टोकरी लाता है। उमेश तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि काजल कह रही है कि उसका पति बेगुनाह है और उसके पास वो जादुई गाय है जिसने उन लोगों को मालामाल किया है। आजमा कर देख लीजिए। तभी काजल की गाय उमेश की टोकरी में से फल खाने लगती है। अरे दोस्त जानवर, ये तेरे खाने के लिए नहीं है, इंस्पेक्टर साहब के लिए लाया था। गाय उसके फलों की टोकरी में से दो चार फल खाकर चाटने लगती है और तीन बार अपनी पूंछ मारती है और देखते ही देखते वो टोकरी सोने की बन जाती है। ये देखकर अचानक ही उमेश के मुंह से निकल जाता है, अरे अरे ये गाय तो उन दो गायों से भी जल्दी सोना बनाकर देती है। सुना सुना आपने इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बोला था ना हमारी दो गाय चोरी हो गई है और उमेश ये कह रहा है कि उसे इन गायों के बारे में जानकारी है, हो ना हो इसी ने हमारी गायों को चुराया है। हम अभी जाकर देखते हैं क्या माजरा है। अगर उमेश तुम्हारे घर में दीपक की गाय मिल गई तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, दीपक को इतनी जल्दी इतना मालामाल होते देख मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने ही गायों को चोरी किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो नहीं मिल सकती, तुमने इस बेचारे इंसान को झूठे आरोप में जेल पहुंचाया है। पुलिस वाला उमेश को अंदर डाल देता है और दीपक को बाहर निकाल देता है। जेल में हुई तकलीफ के लिए पुलिस तुमसे माफी मांगती है और तुम्हें तुम्हारी गाय शाम तक सही सलामत वापस मिल जाएगी। दीपक पुलिस स्टेशन से काजल और अपनी गाय बछड़े को लेकर घर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस उसे उसकी बाकी दो गायों को भी लौटा देती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।